सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं द्वारा लंबित मांगों को लेकर शनिवार को एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और 3 दिन तक दुकानें बंद रखने की सूचना दी गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विक्रेताओं की समस्याओं का निराकरण पूर्व में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी नहीं किया गया है, जिसके चलते सभी में रोष व्याप्त है और 6 फरवरी तक मांगों का निराकरण न होने पर 7-9 फरवरी तक सभी राशन दुकानें बंद रखी जाएंगी। विक्रेताओं ने बताया कि मशीनों में बढ़ रहे राशन के अंतर, वेतनमान न मिलने, निशुल्क राशन वितरण का कमीशन न मिलने सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस चीज को लेकर ज्ञापन दिया गया। हमारे सहकारिता समिति कर्मचारी एवं विक्रेताओं एवं समस्त संस्थाओं के कर्मचारी की हमारी पुरानी मांगे हैं, कुछ है जो राष्ट्रीय स्तर पे रखी गई हैं और ये आंदोलन 7-8-9 को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। इसमें हमारी शासकीय उचित मूल्य सांकेतिक तौर पे शासकीय उचित मूल्य दुकान 3 दिन 72 घंटे के लिए बंद रहेगी।